अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे पास वोस्टो 230 है और इसका डिस्प्ले का इशू है। डिस्प्ले जो है एलसीडी पे आप देख सकते हैं, इसका डिस्प्ले जो है वो नहीं आ रहा। और जब हम इसका अंदर से देखते हैं, मुआयना करते हैं, तो ये देखें फैन इसके चल रही है और सिस्टम हमारा ऑन है, लेकिन डिस्प्ले यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आए देखते हैं कि इसका जो डिस्प्ले का क्या मसला है और इसे कैसे रिजोल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, सिस्टम को हम बंद करने के बाद इसकी जो रैम है इसे हम साफ करके देख लेते हैं। ये इसकी रैम है, ठीक है। तो ये जो इसके पॉइंट्स हैं हम इसे साफ करते हैं। तो साफ करने का तरीका ये है, अगर आपके पास रबड़ है इरेजर तो आप उससे इसे साफ करें, इसके जो टर्मिनल्स हैं यहाँ से इसे साफ करें। कैसे चमक रही है। तो इसे साफ करने के बाद आप इसे लगाएं स्लॉट में, तो देखें इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो मेरे पास रबड़ नहीं है तो मैं क्या करूँगा, ये देखें सिंपली मैं इसके साथ साफ कर लूँगा, ठीक है। लेकिन रबड़ वाला जो है वो तरीका काफ़ी आसान होता है, उसे अच्छे से साफ हो जाती है, ठीक है। आपके पास भी रबड़ नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, आप भी ऐसे इसे यूज़ करें। तो यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स हैं इसे लगा देते हैं। एक पॉइंट ये है, सेकंड यहाँ पे है, ये देखें ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रख के जब मैं इसे प्रेस करूँगा, ये देखें ये नीचे की तरफ, तो ये खुद ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये ठीक है, ऐसे करके बंद हो जाएगा। अब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। ये पावर है, पावर लगा देते हैं इसमें। तो ये हमने पावर को कनेक्ट कर दिया सिस्टम के साथ। तो कनेक्ट करने के बाद ये देखें, अब यहाँ से हम इसे ऑन करेंगे। और ये देखें डिस्प्ले शो हो गया है, ठीक है। ये एक सिंपल और छोटा सा मेथड था। अच्छा, ये देखें इसके ऊपर जो है F1 की जो हमें दे रहा है कीबोर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने लगाया ही नहीं हुआ कीबोर्ड इसके साथ, ठीक है। मेन चीज़ इसका डिस्प्ले का था मसला, जो कि हल हो गया है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया है, आपने एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ करना है। और आपका जो लैपटॉप है या आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप भी मैं आपको बता दूं, उसका भी यही मसला होता है अक्सर, डिस्प्ले नहीं दे रहा होता। तो उसका भी यही मसला होता है कि उसका भी सिंपल एक आसान तरीका है, आप रैम को निकालें, उसे क्लीन करें। तो क्लीन करने के बाद जो है वो आप उसे लगा दें। अगर डिस्प्ले का इशू है तो इंशाल्लाह वो रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से ये है हमारे चैनल की हौसला अफजाई हो जाती है। शुक्रिया।